वैलेंटाइन कब है? 14 को है। आप ना इन सब के साथ एक दिया भी खरीद लेना। दिया क्यों? दिया जलाने के लिए। क्यों जलाऊंगी मैं 14 को दिया? अच्छा 14 आपको नहीं पता, नहीं याद है? बहुत से आपके जैसे लोग हैं जिनको याद नहीं होगा। खैर 14 कैसे नहीं याद है? वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे है। और भी कुछ है क्या? थोड़ा सा मंडे है, थोड़ा जोर दीजिए, कुछ याद आ रहा है? 14 को और क्या है? 14 फरवरी। किसी का बर्थडे? नहीं कुछ नहीं है। कुछ नहीं है आपके लिए वैलेंटाइन है? और भैया चॉकलेट दे दीजिएगा। थोड़ा सा हिंट मैं आपको और देना चाहता हूँ। 14 फरवरी 2019 कुछ हुआ था क्या हमारे देश में? 2019? हाँ हाँ। मुझे याद तो नहीं है। याद नहीं है, वैलेंटाइन याद है। ये कितने सालों से मना रही हो आप? 7 ईयर्स। 7 ईयर्स, बढ़िया। 7 सालों से मना रही हो आप, लेकिन मात्र 3 साल पहले का मैं जो बात पूछ रहा हूँ आपसे, कुछ भी याद नहीं आ रहा आपको कि 14 को और क्या हो सकता है? और तो कुछ याद नहीं है। खैर आपकी दिक्कत नहीं है, हमारे सोसाइटी की दिक्कत है, देश की दिक्कत है। एक्चुअली आपको याद दिला दूं, 14 फरवरी को ही कोई पुलवामा नाम का जगह याद आ रहा है आपको? पुलवामा सबने सोशल मीडिया पे बहुत पोस्ट भी किया था। और कुछ हुआ था आई थिंक वहाँ ना, मुझे क्या, मैं तो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करूंगी ना। नहीं नहीं मैम, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। खैर पुलवामा में बता दूं आपको, पुलवामा में कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ था। हमने अपने 44 जवान खोए थे उस दिन, और वो पूरे देश के लिए ब्लैक डे हो गया था। और उसी दिन के बाद से कम हम भारतीय लोग ये वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना छोड़ करके अपने जवानों के लिए या फिर शहीदों के लिए तो थोड़ा बहुत कुछ कर ही सकते हैं। मैं आपसे एक जवान होने के नाते नहीं, हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि आपके माध्यम से आज पूरे देश में ये वीडियो जाएगा तो लोगों को समझ में आए। और आपके जैसे नहीं, सिर्फ आप इकलौती नहीं हो, कई लोग ऐसे होंगे जिनको याद नहीं होगा कि 14 को क्या हुआ था। तो मेरी एक छोटी सी अपील है, देखते देखते ये तो अच्छा एक हमारा वे बन गया कि मैं वीडियो के माध्यम से कुछ बता पाऊँ। तो प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक दिया ले लेना, और 14 को जवानों के नाम पे उनके श्रद्धांजलि के लिए दिया जरूर जलाना। ये एक रिक्वेस्ट है छोटा सा, और पूरे देश को रिक्वेस्ट है। 14 फरवरी को हमने जवानों को खोया था, और वो दिन शायद अब शायद आपको याद आ रहा होगा। हाँ। याद है, आपने भी पोस्ट किया होगा व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे। तो हम उनको भूल कैसे जाते हैं? वैलेंटाइन तो शायद बचपन से सभी को ही कोई याद है ना? दिमाग से तो निकल ही जाता है ना। हम लोग क्या है कि हम लोग बस ऐसे ही, हम लोग अपनी ड्यूटी नहीं करते, सिर्फ हम लोग घर परिवार को छोड़ करके बाहर रहने का हमें भी शौक नहीं है। हम लोग ना देश प्रेम जानते हैं, और देश प्रेम तो खैर आपके पास भी होगा, लेकिन हमारा जो देश प्रेम होता है ना, वो सबसे अलग होता है। आप लोग लड़के लड़कियों के लिए मरती हो, हम लोग देश और तिरंगे के लिए मर जाते हैं। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है। तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, आपके माध्यम से जहां तक भी ये वीडियो जाए, तो पुलवामा में शहीद हुए अपने वीर जवानों को प्लीज मत भूलिएगा। और ऐसे जवान आए दिन भी शहीद होते रहते हैं, सभी के लिए थोड़ा सा सिंपैथी जरूर रखिएगा, और रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। और आप भी एक बार ही रिक्वेस्ट कर दीजिए, ताकि आपके माध्यम से भी, एक हिंदुस्तानी नागरिक के माध्यम से भी यह अपील लोगों तक पहुंच जाए। दोस्तों आप वैलेंटाइन डे तो मनाते हैं, लेकिन 14 फरवरी को जो भी हुआ उसके लिए एक दिया जलाइए, ताकि सबको अच्छा लगे कि आप देश के लिए कुछ कर रहे हो। एक दिया ही बहुत कुछ है। हमारे जवानों को ना बस यही सब, तो अब बर्फ में हैं, बाहर पहाड़ों पे हैं, तो उनको थोड़ी दिख रहा है कि हम लोग कैसे रहते नहीं रहते, नीचे की जनता कैसे रह रही है। उन्हें थोड़ा सा आप सम्मान दोगे ना, उसी के भूखे होते हैं। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, 14 फरवरी सभी को याद होगा कि वैलेंटाइन है, लेकिन अपने जवानों को कभी मत भूलिएगा, कभी नहीं। जय हिंद। तो प्रिय दर्शक, আমি সবিকুল ইসলাম, আপনারা দেখছেন আরামবাগ টিভি প্লাস। দর্শক, বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার নিশ্চয় প্রয়োজন নেই, আপনারা ভিডিওটা দেখছিলেন নিশ্চয়, এবং সেটা আমার কাছে ভাইরাল হিসেবে এসেছে। সত্যি 14 ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে, সেটা কিন্তু ইয়াং জেনারেশন কিন্তু ভোলেনি, কিন্তু ভুলে গেছে। হয়তো আপনারা অনেকেই হয়তো ভুলে গেছেন, বা আমরা অনেকে ভুলে গেছি যে 14 ফেব্রুয়ারি 2019 কি হয়েছিল পুলওয়ামাতে। দর্শক, আমি এই ভিডিওর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমি আর যেতে চাইছি না, নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের মতো করে কমেন্ট করবেন।
এবার নিশ্চয় কমেন্ট করে আপনারা জানাবেন যে আগামী কাল পুলওয়ামা নিয়ে আপনারা কি করছেন, আপনারা কি করছেন সেটাও জানাবেন, এবং অন্যদের উদ্দেশ্যে কিছু বার্তা থাকলে নিশ্চয়ই আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। কি বলবেন দর্শক এই ভিডিওটা দেখে, যেখানে একজন বলছিলেন জাস্ট দুটো বিষয় আপনারা দেখলেন, নিশ্চয়ই সম্পর্কে আপনাদের মতামত থাকতে পারে, অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করবেন কমেন্ট বক্সে, নজর রাখবেন আরামবাগ টিভি প্লাসে।